वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही थी, उपसे संयोजक यौगिक। जिसने पिछली क्लासेज नहीं देखी है वो देख लीजिए। वैसे तो आज एक नया टॉपिक है, तो पीछे नहीं भी देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पढ़ना भी ज़रूरी है जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना जनरल से चीज़ें नहीं आती हैं। आज मैं कुछ नियम पढ़ा रहा हूँ आपको जो ज़रूरी है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपके थर्ड ईयर में भी काम में आएंगे, सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे, ठीक है। तो एक जो नियम पढ़ा रहा हूँ वो है EAN, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है और इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक अंकल जी हुए थे, कौन से, वर्नर। वर्नर ने क्या कहा था, वर्नर ने क्या कहा था, कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है, धातु है, मेटल से लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मेटल से लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। तो जो मेटल है, धातु है, वो दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, दो प्रकार की संयोजकता हमारे पास दिखाता है, शो करता है, ठीक है। अब वर्नर ने कहा था कि कई लिगेंड ऐसे होते हैं, कई लिगेंड ऐसे होते हैं या कई समूह ऐसे होते हैं, कई लिगेंड ऐसे होते हैं जो प्राथमिक संयोजकता को भी दिखाते हैं और द्वितीयक संयोजकता को भी दिखाते हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं, एक मिनट, ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं, कई लिगेंड ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था CONH3, ठीक है, CONH3, यहाँ पे 5Cl और यहाँ पे Cl2, ऐसे कुछ बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, वो प्राथमिक संयोजकता को भी दिखा रहा था और द्वितीयक संयोजकता को भी दिखा रहा था। आपको शायद याद हो तो मैंने क्या किया था, मैंने क्लोरीन को, जब क्लोरीन जुड़ा था तो उसको मोटी वाली लाइन से भी दिखाया था और जो बिंदुदार रेखा है उससे भी दिखाया था, मैंने दोनों रेखाओं से दिखाया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या था कि क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता को भी दिखा रहा है और द्वितीयक संयोजकता को भी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये वर्नर नहीं बता पाया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्राथमिक को भी दिखा रहा है, द्वितीयक को भी दिखा रहा है, ऐसा क्यों होता है ये वर्नर नहीं बता पाया, ठीक है। फिर किसने बताया, फिर बताया सिजविक नाम के वैज्ञानिक ने बताया। अब हमारे पास आए सिजविक अंकल, सिजविक अंकल आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि धातु और लिगेंड के बीच में उप सह संयोजक बंध बनता है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात बता दी, ये तो हमारे पास पुरानी बात थी। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, लिगेंड धातु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाता है और उप सह संयोजक बंध इस प्रकार बनाता है कि धातु के पास कुल इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएं, लिगेंड धातु से इस प्रकार बॉन्ड बनाता है कि धातु के पास कुल इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएं, कितने हो जाएं, कुल इलेक्ट्रॉन आने वाली उत्कृष्ट गैस के जितने हो जाए। लास्ट में नोबल गैसेज पड़ती है, कौन सी,
ये वाली नोबल गैसेज पड़ती हैं लास्ट में। तो सिजविक ने क्या बताया, देखो उन्होंने यह बताया कि जो धातु है, देखो इस लाइन में कोई अगर धातु आ रहा है, इसमें कोई आ रहा है, कोई इसमें आ रहा है, ठीक है। मान लो इस वाली लाइन में ये ऑर्गन वाली लाइन में कोई धातु आ रहा है, तो वो इस तरीके से बंद बनाता है, इतने बंद बनाने की कोशिश करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन जितना हो जाए, ठीक है। इस वाली लाइन में कोई आता है तो वो क्या कोशिश करता है कि वो क्रिप्टॉन जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख सके, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो जो यौगिक है वो स्थायी होता है, वो स्टेबल होता है ज़्यादा, अगर उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं होते तो वो अस्थायी होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम से हमारा क्या मतलब है कि किसी यौगिक में धातु के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने वाली उत्कृष्ट गैस उसी लाइन की, और किसी की नहीं, उसी लाइन की, उसी लाइन में आने वाली उत्कृष्ट गैस जितना हो जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है ना, नहीं तो वो यौगिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप मेरे से कहेंगे सर वो बात तो ठीक है आपकी, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे कैसे, ये तो हम बताओ। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, और वही चीज़ मेन है, वो आपके पास सेकंड ईयर में भी काम में आने वाली है और थर्ड ईयर में भी काम में आने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम क्या है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आपके पास जैसे कोई यौगिक है, धातु है, धातु से क्या जुड़ा हुआ है, लिगैंड जुड़ा हुआ है, धातु के साथ लिगैंड जुड़ा हुआ है ना। मान लो एक धातु है, उससे 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले धातु का परमाणु क्रमांक देखना है, ठीक है। धातु का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी धातु आप ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, प्लेटिनम ले रहे हो, ठीक है, कोई सा भी धातु ले रहे हो, कोई सा भी मेटल ले रहे हो, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पता होना चाहिए, धातु का परमाणु क्रमांक, ठीक है सर। फिर आगे हम तो लिख देंगे किसी चीज़ का धातु, जैसे किसी का धातु का परमाणु क्रमांक है 26, 27, 25, 28, तो वो आपको पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है धातु हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको पता होनी चाहिए धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में कितने ऑक्सीकरण अवस्था देखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है, ठीक है, उसको क्या कर देना है, माइनस के कर देना है, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, सीधी सी बात है, देखो हमारे पास अगर Fe है उसके ऊपर +2 लिखा हुआ है, तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम, है ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीकरण अवस्था माइनस कर देनी है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, लिगैंडों की संख्या आपको देखनी है, जिसको हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं या उप सह संयोजन संख्या भी बोलते हैं। लिगैंडों की संख्या, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या, ठीक है, वो सर जी। फिर
फिर क्या करना है, देखो आपको देखना है कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, वो संख्या लिख देनी है। आप कहोगे ठीक है सर जी, आगे बताओ, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, इस उपसह संयोजन संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप क्या होगे सर अब ये क्यों कर रहे हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, हमने उपसह, आपने कहा उपसह संयोजन संख्या लिख दो, हमने लिख दी, आपने कहा ऑक्सीकरण अवस्था लिख दो, लिख दी, आपने कहा परमाणु क्रमांक लिख दो, लिख दिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, जब लिगेंड धातु के साथ बंध बनाता है तो एक लिगेंड है ना, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है धातु को, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 लिगेंड है तो उसको हम 4 × 8 कर देंगे, 6 हैं तो 6 × 12 कर देंगे। ठीक है, ये हमको करना है, समझ में आया 2 क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास है जैसे CuNH3 6 और 2+, CuNH3 6 2+, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं सामने से हट गया हूँ तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें EAN ज्ञात करो, EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेरा क्या था, धातु का परमाणु क्रमांक लिख दो 29। ठीक है, उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है यहाँ पे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी 2, तो हमने क्या कर दिया -2, इसको देखकर मत करना -2। ठीक है, पूरे से आपको धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, वो शायद मुझे लगता है आपको आती होगी, और अगर आपको नहीं आती तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं एक स्पेशल क्लास ऑक्सीकरण अवस्था के लिए बना दूंगा, या फिर अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ लिखनी है। ठीक है, 29 - 2, फिर बताओ क्या करें, फिर उपसह संयोजन संख्या यानी कि लिगेंडो की संख्या, लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, 6। ठीक है, फिर आगे 2, 6 × 12। ठीक है, तो यहाँ पे 29 में से 2 गए, कितने बचे, 29 में से 2 गए तो 27 और प्लस 12, और यहाँ कितने आए, 39। अच्छा मुझे ये बताओ 39 किसी भी अक्रिय गैस का 39 होता है क्या, परमाणु क्रमांक होता है क्या, नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, अस्थाई बोल देंगे, अनस्टेबल बोल देंगे। ठीक है, इसको अस्थाई बोल देंगे। ठीक है, अब और कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बहुत एग्जांपल है मेरे पास, कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं CuNH3 6 3+, ये है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, अच्छा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है 27, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 3, तो -3, फिर लगाएं प्लस, कितने हैं लिगेंड 6, कितने से मल्टीप्लाई कर दे 2, 27 में से 3 गए कितने बचे 24, प्लस 12, और 24 और 12 36, तो 36 हमारे पास किसी का परमाणु क्रमांक होता है, होता है चेक करना, तो 36 हमारे पास आने वाली उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 36 होता है, 54 होता है। ठीक है, देखना कौन कौन सी उत्कृष्ट गैस आती है, हीलियम आती है, ये आती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनोन, रेडोन, ठीक है। तो किसका परमाणु क्रमांक 36 होता है वो आप देखना, किसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। आवर सारणी आपके पास होगी तो उसमें चेक करना किसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, ठीक है। और एग्जांपल इसके देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें और एग्जांपल हमको देखने हैं, तो यहाँ पे जैसे आ गया हमारे पास K3, एग्जांपल में देख लेता हूँ, K3 FeCN6, ठीक है, में Fe का EAN ज्ञात करो, ठीक है, Fe का EAN ज्ञात करना है, ठीक है। अगर बाहर कुछ जुड़ा हुआ हो तो भी दिक्कत लेने वाली बात तो है नहीं, सीधी सी बात है। K3 यहाँ पे पोटेशियम क्या है, K3 है, 3 पोटेशियम है, ठीक है, एक पोटेशियम की होती है +1, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर यहाँ पे K3 नहीं होता, अगर यहाँ पे K3 नहीं होता तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, या आप छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, FeCN6+3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें बताना है तो Fe का जो होता है वो होता है 26, वो होता है परमाणु क्रमांक 26। अच्छा अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है यहाँ पे, किसकी, इसकी Fe की, ठीक है। तो Fe की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, 3। इसको देखकर मत निकालना, पहले भी कह रहा हूँ, इसको देखकर मत सोचना कि मैंने इसको देखकर बोला है, ठीक है, इसके लिए नियम काम करता है ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, तो वो देखना पहले, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको देखकर मत करना, ठीक है। तो 26-3, ठीक है। अब इसके बाद कितने लिगेंड है, 6, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 26 में से 3 माइनस किए तो कितने हो गए, 23+12, तो ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए 35। 35 पे कोई उत्कृष्ट गैस आती है, आती है क्या, नहीं आती, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो आपको EN निकालने के लिए सिर्फ इतना सा करना है, परमाणु क्रमांक रखना है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को घटाना है, उपसह संयोजन संख्या रखनी है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, आपको और कुछ नहीं करना, आपके पास निकल के आ जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम निकल के आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के लिए निकाल के देख लेना, निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे और एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई एग्जांपल देखना चाहो, आपके पास कोई हो तो मुझे भेज देना, है ना, पिछली बार भी मैंने बहुत सॉल्व क्वेश्चन किए थे। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे एक नियम और पढ़ाना है, उसकी कल बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है, वैसे ज़रूरत है नहीं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। दो प्रकार के संकुल होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। संकुल दो प्रकार के होते हैं, होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ें होती है, देखो अगर हमारे पास धातु आयन के साथ, अगर हमारे पास धातु आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, है ना, सॉरी इसके साथ 2+ लगाना है, अगर हमारे पास धातु आयन के पास एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी कि 6 के 6 NH3 जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संकुल को हम कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे CuNH3 4Cl2, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के लिगेंड जुड़े हों,
अमोनिया भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, यानी कि धातु के साथ अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जो संकुल होगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक संकुल। ठीक है, अगर हमारे पास समान प्रकार के यानी कि एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों, एक ही प्रकार के, तो उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक, और अलग अलग प्रकार के हों तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। इतनी छोटी सी बात मैंने को आपको बतानी थी। ठीक है, और नया नियम हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।